हे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग फ्रेंड, आप लोग कैसे? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। हम भी अच्छे हैं, हमारे फैमिली में भी सब अच्छे हैं, चकाचक हैं। चले बने रहे वीडियो पर, हस्बैंड भी तो है, आज मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। चले बने रहे वीडियो पर। ये देखिए बर्तन रख रही थी और इधर बेटी जी कैसे बाल पे इतना तेल लगा दिए और चाय और रोटी खा रही थी। सुबह में उस टाइम में उस वक्त नहा धोकर पूजा ख़त्म करी, पूजा के बाद मैं बर्तन वगैरह सब रख रही थी। बर्तन रखते कल भी तो रख रही थी, आपको दिखाई थी, लेकिन आज वो ना मैं उसको बोली कल वाला, तो बोली तो ऐसे हो गया था, तो शायद छूट गया होगा, नहीं तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, गलती नहीं करती हूँ। तो मैंने कोई नहीं, ऐसा होता है, कभी कभार होता है। तो हंस रही थी, इतना हंस रही थी। तो ये देखिए, तो सारे मैं रख दी हूँ और आगे आप लोग देखोगे तो बिल्कुल भी उस क्लिप को आप स्किप मत कीजिएगा। और सब्जी, उसके बाद सब्जी कटिंग करी थी, चावल को बैठा दी थी और उसके बाद सब्जी कटिंग कर रही थी और बातें भी हो रहा था। क्या हुआ ना भगवान, भगवान मैं आपको क्या बोलूँ, इतना ढकलम कर दी। एक आज हमारा था ना शुक्रवार हाट था, मार्केट होता है शुक्रवार हाट होता है, तो इतना ड्रिंक कर दिया था, मतलब इतना पी ली थी और वो ना चल भी नहीं पा रही थी, आकर बैठ गई। हम बैठे थे, हमारे सामने में ही बैठ गई और मुझे इतना पाठ पढ़ा रही थी, क्या क्या बोल रही थी। मैं, हम बैठे थे, माँ बेटी हम दोनों बैठे थे, तो वो ना क्या करी, बैठी थी और हम कुछ भी एक वर्ड बोलते हैं तो वो एक वर्ड को लगा कर कितना आगे बोल रही थी। लगता है बहुत जोर से उसको, उसने पी ली थी बहुत जोर, शायद क्या पी तो ली थी, क्योंकि उसका इतना बातें कर रही थी, इतना बातें कर रही थी। हम उठ कर भी नहीं आ पा रहे थे और वो भी नहीं जा पा रहे थे। मेरा एक फूल पौधा को भी उखाड़ दी और बोल रही थी, तुम फूल फूटोगे क्या, फूटना ऐसे, मतलब एक जो गेंदे फूल को उखाड़ दी और बोल रही थी, तुम फूटोगे कैसे, फूटोगे अच्छी तरह से फूटना ऐसे। और हमारा डॉगी के साथ भी बात कर रही थी, इतना मोरिंग चाचू को कोई पैरवी नहीं, तो कंडीशनर टा मेरिंग चाचू को इतने जीवन में मुझे लाजो नहीं जा इतनी इतनी जा रही इतनी जा। ओ अच्छा, किचन जा रही है, जा रही है हस्बैंड के साथ, कुछ काम था। और देखिए ये मैं चूड़ी वगैरह लाने के लिए इधर, मैं इधर जाती हूँ तो चूड़ी तो लेकर आती हूँ, अच्छा लगता मुझे यहाँ का, मतलब मन पसंद के हिसाब से आप लेकर आओगे। तो आज हस्बैंड भी जा रहे थे तो मैं भी जाऊँगी तो चूड़ी लेकर आऊँगी, तो मुझे भी लेकर चलो बोले, तो बोली तो अच्छा ठीक है चलो। तो हस्बैंड जी के साथ गई और दो डजन चूड़ी लेकर आई माँ के लिए, माता जी को मैं तो खा कर गई थी, माता जी को दूर से ही प्रणाम कर अपनी। आने के बाद ये मसाले देखिए, अगर जो दुकान है दो आइटम के बना दी, बापनी जब खुल्ला चूल्हा से ही बन, चूल्हा में ही बना रही थी। और आगे है वही क्लिप है, आप लोग देखिएगा। तो ये मैं ना जहाँ गई थी उसके वहाँ से आने के बाद ही ये बना रही ना, बुझे बुझे कहूँ, हमको भी रागंते बुझे बुझे कहले भी जान,
जल्दी कह तुम जल्दी विदा कर दुनिया जत्रा कर भूल खाइले असुविधा। तो इधर मैं चिकन बनाऊंगी इधर ही, और जो मसाले बन गया है उसको लेकर मैं गैस चूल्हा पर ही उसको बैठा दूंगी, बना दूंगी। तो ऐसे हम माँ बेटी भी बातें कर रही थी, उस वक्त बेटी नहा कर उठ गई थी। उस टाइम हुआ था कितना, लोग तो तैयारी कर रही थी, उस टाइम हो गया था एक बज गया था, ऑलरेडी एक बज गया था। तो ये वॉइस ओवर दे रही थी तो हस्बैंड जी, वो फिल्म देख रहे थे अपने मोबाइल में, तो आवाज़ थोड़ा आ रहा था, वो उनका कनेक्ट नहीं हुआ था ब्लूटूथ में। तो मैं बोल रही थी आवाज़ होगा इधर, और गाना फाना बजता है तो हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। जिन लोगों को वाइट टी पसंद है उन लोगों को पता है। तो इधर देखिए लेकर आ गई हमने, और मसाले और पनीर, पनीर को फ्राई भी कर ली थी पहले ही, लेकिन उस टाइम में वीडियो नहीं बनाई। कभी कभी क्या होता है ना, नहीं हो पाता है, तो जल्दी जल्दी में करोगे तो नहीं होता है। पहले से ही मैं बना ली थी, पनीर भी बनाई, चिकन भी बनाई, दाल भी बना लिया था, भाजी भी बनाई थी ऐसे, लेकिन सारे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। जल्दी जल्दी में थी, और आज तो दिन भर भी मैं किसी की वीडियो पर भी नहीं जा पाई, बहुत जल्दी, आज बहुत बिजी भी थी। तो ये देख लीजिए, मैं दो चार दिन बारिश हुआ, बारिश में थोड़ा बहुत ठंड लग रहा था, लेकिन अभी इतना गर्मी लग रहा है, इतना गर्मी लग रहा है, ऊपर से करंट का काट देते हैं। इधर आ रहे हैं एलिफेंट महाराज, जंगल वाला एलिफेंट आए हैं, तो इसलिए रात को कभी कभार करंट काट देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और इन्वर्टर से कितना चलेगा, तो ऐसा होता है। अभी भी मैं फैन लगा कर ही वॉइस ओवर दे रही हूँ, इतना गर्मी होता है ना भाई, आप लोग समझ जाओगे, समझिएगा भी। और ये चिकन भी बन गया था, मैं उसको मतलब कसा, उड़िया में हमारा कसा कहते हैं जो भूनते हैं, वो हो गया था। उसके बाद पानी वगैरह मैं डाल दी हूँ, कुछ निकाल के भी रखी हूँ, बेटी भी खाएगी। और ये ना बिल्कुल देसी चिकन था, बिल्कुल देसी चिकन था। मैं तो बहुत बार मटन बनाती हूँ, मटन तो बेटी नहीं खाती, इसलिए देसी चिकन लेकर आए थे, तो देसी चिकन ही बना रही थी। हो गया था, पानी डाल दी, पानी जब थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा और हस्बैंड जी जा रहे थे घर में, सॉरी जा रहे थे घर नहीं जा रहे थे उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाई। और एकदम से इवनिंग में चाय पीने के बाद इधर थोड़ा इतना गर्मी हो रहा था, तो बाल बना लेने के बाद मैं मुंह को धो लिया और लगा रही थी पाउडर लगा रही थी। एकदम से धब्बे धब्बे दिख रहा था, क्योंकि बहुत पसीना निकल रहा था ना इसी वजह से। और हस्बैंड जी सब्जी लेकर आए थे मार्केट से, इधर रख दिए थे, तो क्या क्या लेकर आए हो इसे मैं बोल रही थी। तो ये सब्जी का बैग भी लेकर जा रही थी, और आगे देखिए वही वाला मैं बोल रही थी ना, कितना नशीली थी और कितनी बातें कर रही थी। हाँ बसो, करते ना कितना नस्ली दे रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय। ये देखिए कितनी नस्ली, कितनी बातें भी कर रही है, चलिए बाय बाय।